दिल्ली सल्तनत। हमने इससे पहली वाली वीडियो में जाना कि कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आए थे वे थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। उनका शासनकाल 1211 AD से 1236 AD तक रहा। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है क्योंकि इनके टाइम पे कैपिटल दिल्ली थी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे कैपिटल लाहौर थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने प्योर अरेबिक सिक्के चालू किए थे। इसने दो तरह के सिक्के चालू किए थे, एक था टंका जो कि एक चांदी का सिक्का था, दूसरा था जितल जो तांबे का सिक्का था, कॉपर कॉइन था। इसने इकता व्यवस्था भी चालू की थी। इकता व्यवस्था में सैलरी की जगह भूमि प्रदान की जाती थी। इल्तुतमिश ने 40 अमीर सरदारों का एक ग्रुप बनाया था जिससे वो युद्ध में विजय हो सके। उस ग्रुप को चालीसा और चहलकानी के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश ने भी काफ़ी निर्माण कार्य किए हैं। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट की कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था। इल्तुतमिश ने जामा मस्जिद बंदायूं में कंस्ट्रक्ट करवाई थी और नागौर में अतारकिन का दरवाजा बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। इल्तुतमिश ने मरते वक्त अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसका मानना था कि उसके बड़े पुत्र के सिवा कोई भी योग्य नहीं है दिल्ली सल्तनत को संभालने के। रजिया भारत की पहली महिला सुल्तान बनी थी। हिस्टोरियंस का मानना है कि रजिया के अंदर सुल्तान के सारे गुण थे। इल्तुतमिश का भी यही कहना था कि उनकी ये पुत्री कई पुत्रों से श्रेष्ठ है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया गया। रजिया ने दिल्ली सल्तनत के लोगों की मदद से रुकनुद्दीन को हराया और वह खुद सुल्तान बनी। रजिया का शासनकाल 1236 AD से 1240 AD तक रहा है। रजिया ने काफ़ी कानून बनाए, साथ ही कई बिल्डिंग्स, स्कूल्स, कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई। वह पुरुषों की तरह ही चोगा टोपी पहनकर राजदरबार में आया करती थी। रजिया के वध के बाद काफ़ी सारे सुल्तान आए, पर कोई भी सुल्तान ज़्यादा समय तक दिल्ली पर राज्य नहीं कर सका। रजिया के बाद गियासुद्दीन बलबन आए। गियासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। गियासुद्दीन बलबन से बलबनी वंश की स्थापना हुई थी। बलबन का शासनकाल 1266 AD से 1287 रहा है। बलबन ने राजगद्दी पर बैठने के बाद इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई चालीसा को समाप्त किया। बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि ली, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, शेडो ऑफ गॉड। बलबन ने दरबार में सजदा और पेबूस नाम की ईरानी प्रथाएं स्टार्ट की। सजदा मतलब होता है घुटनों पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना। पेबूस मतलब सम्राट के पांव चूमना। बलबन के दरबार में फेमस कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। बलबन ने दो डिपार्टमेंट बनाए थे, एक था दीवाने बरीद, एक था दीवाने अर्ज। दीवाने बरीद एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, गुप्तचरों का विभाग। गुप्तचरों को वो खुद अपॉइंट करा करता था। बलबन के टाइम पे दूसरा डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज नाम का सैन्य विभाग था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी अपने पोते के खुसरो को बनाया, पर बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन महमूद ने के खुसरो को मुल्तान का सूबेदार बना दिया और उसके दूसरे पुत्र केकुआबाद को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे साथ ही साथ लाइक कर दीजिए। केकुआबाद ने 1287 AD से 1290 AD तक शासन किया। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता केकुआबाद के समय ही भारत आए थे। इसके थोड़े समय बाद केकुआबाद को लकवा मार गया। उसके 3 साल के पुत्र शमशुद्दीन क्यूमर्स को सुल्तान घोषित कर दिया। केकुआबाद की जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या करवा दी और उसके पुत्र शमशुद्दीन क्यूमर्स की भी हत्या कर दी, और इसके साथ ही गुलाम वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश की नींव पड़ी। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी वंश की बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे।